आज अपने चैनल के थ्रू मैं बनाने जा रही हूँ लिंगड़ की सब्जी। ये लिंगड़ होता है, हम पहाड़ी लोगों की पहली पसंद होती है लिंगड़ की सब्जी। लिंगड़ की सब्जी के बहुत सारे फायदे हैं, ये आयुर्वेदिक में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं लिंगड़ की सब्जी का पौधा कैसा होता है। फ्रेंड्स, जो लिंगड़ का प्लांट होता है वो इस तरह का रहता है, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह का लिंगड़ का प्लांट रहता है और लिंगड़ जो है वो इस तरह से लगा होता है। आप ज़मीन पे इस चीज़ को देख पा रहे होगे, ये ज़मीन में लगा हुआ है। पहाड़ों में इस प्रकार के बहुत सारे लिंगड़, और इसको इस प्रकार से हम यहाँ से तोड़ देते हैं, इस प्रकार से ये देख लीजिए आप। और ये दूसरे नीचे वाला अगर आप देख पा रहे हैं, ये और ग्रो हो रहा है यहाँ पे। अभी ये छोटा है तो कुछ दिनों में ये बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये लिंगड़ का जो है प्लांट रहता है, आप देख पा रहे हैं नज़दीक से। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी होती है, आप खाओगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। स्वाद से भरपूर लिंगड़ की सब्जी का आगे का वृतांत बताते हैं। लिंगड़ की सब्जी के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें विटामिन्स मिनरल्स भी बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है, और यह आँखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत लाभदायक है, और पेट के भी कई रोगों के लिए इस मतलब अच्छा ये है इसका। और बाकी इसमें आप अगर इसकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है लिंगड़ का, और ये अन्य सब्जियों के साथ भी मिक्स करके इसको आप बना सकते हो। जैसे प्याज वगैरह हम काट लेते हैं, आलू भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, प्याज भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है खाने में। फ्रेंड्स, डॉक्टर की मान्यता है कि लिंगड़ा जो होता है, लिंगड़ होता है, ये शुगर हार्ट के मरीजों के लिए रामबाण है। लिंगड़ा के फैक्ट्स में वसा बिल्कुल नहीं होती है और ना ही कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए हार्ट के मरीजों के लिए ये बहुत ही लाभदायक सब्जी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है इसको। इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, पेट में कई रोगों के लिए भी औषधि का काम करते हैं। इसे सब्जी के तौर पे, अचार के तौर पे, जैसे रनीता शर्मा ने आपको बताया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये खास करके लिंगड़ जो है सब्जी है, इसको लाभ के हिसाब से, आयुर्वेदिक के हिसाब से इसको काफ़ी मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से इसको बारीक बारीक काटा जाता है। जैसे आप रनीता शर्मा जी आज इसकी सब्जी बना रहे हो, आप सबसे पहले तो इसको ऐसे साफ करना पड़ता है। ये साफ करने का तरीका देखिए, इसमें क्या होता है, क्या आया इसमें साफ करके, ये रोए से आते हैं इसमें। आप ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पीस, ये देख पा रहे हैं आप, ये रोए से देख पा रहे हैं आप इसमें ज्यादा है। ये इसको निकाल के दिखाएंगे आपको, साफ करना पड़ता है, ये निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए आप, निकालने के बाद कैसा हो गया ये, और पहले कैसा था ये। तो ये है इस चीज की वो खासियत। तो आप भी जब कभी मौका मिले पहाड़ों में जाने का, या कहीं हिल स्टेशन में, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन जगहों में कहीं आपको जाने का मौका मिलता है, तो आप भी इस सब्जी का लुत्फ़ उठाइए, इसका जायका टेस्ट कीजिए।